इधर ग्वालियर में आज गुर्जर समाज जेल भरो आंदोलन कर रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर महापंचायत में शामिल होंगे। जेल भरो आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिए करीब 3000 से ज्यादा का पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन को लेकर 6 जेल बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के अलावा इन तमाम अलग अलग जगहों पर जवानों को तैनात किया गया है। चिरवाई नाका पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के आह्वान पर ये आंदोलन हो रहा है। ग्वालियर के मेला मैदान में आंदोलनकारी जुटेंगे। आचार संहिता के चलते आंदोलन को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और बिना अनुमति आंदोलन करने पर कार्रवाई होगी। 25 सितंबर को हुए उपद्रव मामले को लेकर ये आंदोलन होगा। इधर जेल भरो आंदोलन से पहले पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आंदोलन में शामिल होने जा रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिकरौदा तिराहे से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। स्टेशन से भी 8 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, उन्हें हिरासत में लिया है। हिरासत में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप गोयल भी शामिल है। तो जेल भरो आंदोलन से पहले पुलिस की कार्रवाई ग्वालियर में देखने को मिली। सिकरौदा तिराहे से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। स्टेशन से भी 8 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। तो जेल भरो आंदोलन से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। तो करीब 8 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ग्वालियर में आज जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और यही वजह है कि कंट्रोल रूम के बाहर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है और यहाँ से ग्वालियर जिले के हर उस इलाके पर मॉनिटरिंग की जा रही है जहाँ पर ये उपद्रवियों के इकट्ठे होने की संभावना है। हमारे साथ एडिशनल SP मीणा सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह का आज जो आह्वान किया गया है उसको लेकर किस तरह से एक्शन की पूरी तैयारी है? तो शहर के लोगों को अगर किसी भी तरीके से परेशान किया जाएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, तो पुलिस और प्रशासन बहुत ही सख्त कदम उठाने वाला है। लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए हमने पूरा लगभग 2500 लोगों का हमारा फोर्स है। शहर को चारों तरफ से सील कर दिया है। हर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है और उसके बावजूद भी अगर कोई संदिग्ध हमें दिखाई दे रहा है तो उसको हम एहतियात के तौर पर हिरासत में ले रहे हैं और जो हमने ओपन जेल जो घोषित किए हैं वहाँ उनको पहरे में रखा जा रहा है और शाम तक होते होते जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश होगा उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर जिस तरह का ये पूरा कॉल किया गया है उसके चलते तमाम तैयारी जो है वो पुलिस प्रशासन ने कर ली है और उस वक्त जिस तरह से कंट्रोल रूम के अंदर जो तस्वीर देख रहे हैं आपके, खुद ADGP के साथ ही SP के साथ कलेक्टर और प्रशासन के अधिकारी जो हैं लगातार इस कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरह की अभी तक पूरी जानकारी सामने निकल कर आई है उसके तहत शहर के अंदर 18 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, 16 फिक्स पिकेट तैयार किए गए, उसके साथ ही 6 अस्थायी जेल के साथ ही जो ग्वालियर शहर के अंदर एंट्री पॉइंट है वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है और लगातार बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि कोई भी आचार संहिता वर्तमान में लागू है और ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के शहर के अंदर प्रवेश करता है और इस आंदोलन में शामिल होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ करण मिश्रा, News 24 ग्वालियर। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोरेना से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। गुर्जर समाज के आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे ग्वालियर, उससे पहले मोरेना में पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए हैं मोरेना में। ग्वालियर जा रहे थे गुर्जर समाज के आंदोलन को समर्थन देने के लिए, जेल भरो आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे। चंबल नदी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह चौकी पर बने चेकिंग पॉइंट से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोरेना से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश से जब ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे बॉर्डर पर, इन्हें मोरेना में गिरफ्तार किया है। गुर्जर समाज के जेल भरो आंदोलन के समर्थन में ये ग्वालियर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज जेल भरो आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे ग्वालियर। और चलेंगे मोरेना, बात करेंगे सहयोगी मनोज उपाध्याय से। मनोज, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कितने समर्थक की गिरफ्तारी हुई है? मनोज, चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कितने समर्थकों के साथ उन्हें पकड़ा गया है और क्या कुछ जानकारी पुलिस ने दी? मनोज, जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन बड़ी खबर सामने है मोरेना से, जहां चंबल नदी के पास से चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर गिरफ्तार हो गए हैं। गुर्जर समाज के आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे ग्वालियर।